दोस्तों ये है बजाज सिटी 100। बजाज कंपनी की ये सबसे सस्ती बाइक मानी जाती है और आज की इस वीडियो में इसके जितने भी कलर्स हैं वो सारे के सारे हम आपको दिखाएंगे। एक ही वीडियो में आप इसके सभी कलर देख लेंगे। तो 2022 में अगर आप सिटी 100 लेने वाले हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा, आपको तीनों के तीनों कलर मिल जाएंगे। मैंने तीनों कलर इसलिए कहा क्योंकि 2022 में अभी तक ऑफिशियली इसके तीन ही कलर आपको शोरूम में देखने को मिलेंगे। जो पहला कलर इस समय स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये है रेड विद ब्राइट रेड डेकल्स। इसमें अगर आप देखेंगे तो पूरी बाइक रेड कलर की है और इसमें ब्राइट रेड कलर के डिकल्स इस्तेमाल किए गए हैं। ठीक है, आपसे गुजारिश है कि आप कमेंट में हमें जरूर बताइएगा कि कौन सा कलर आपका फेवरेट हो सकता है और कौन सा कलर आपको सबसे ज्यादा पसंद आने वाला है। ठीक है, और मैं आपको प्राइस बता दूं कि लगभग 54,600 यानी कि 54,600 के करीब इसकी एक्सोरूम प्राइस पड़ रही है। और आपके एरिया वाइज अगर कंप्लीट प्राइस की बात करूं, ऑन रोड जिसमें इंश्योरेंस आरटीओ टैक्स वगैरह सब कुछ इंक्लूड होता है, तो वो लगभग आपको जो है 70,000 से 75,000 में ये देखने को मिल जाएगी। 70,000 to 75,000 में आपको कंप्लीटली ये बाइक देखने को मिल जाएगी। ठीक है, उसमें इसके सारे कागजात जो है कंप्लीट रहेंगे। चलिए दूसरे कलर की तरफ मूव करते हैं। तो ये इसका सेकंड कलर है जो कि है ब्लैक विथ ब्लू डेकल्स। इसमें पूरी बाइक आपको लगभग ब्लैक देखने को मिलेगी और इसमें ब्लू कलर के डेकल्स इस्तेमाल किए गए हैं। बड़ा ही स्टनिंग कलर लगता है ये, नो डाउट। ठीक है, तो अभी भी मैं आपसे कहूंगा कि आप जरूर बताइएगा कमेंट में कि आपका फेवरेट कलर कौन है। अगर इस बाइक के बारे में थोड़ी सी जानकारी और मैं दे दूं तो देखिए 100 cc 100 cc की ये बाइक है। थोड़ी कमजोर बाइक है लेकिन डेली कम्यूट और बढ़िया माइलेज के लिए ये बाइक जानी जाती है। अगर आप डेली कम्यूट करते हैं, अगर आपका 40-50 किलोमीटर का रनअप है और आपको एक हल्की बाइक चाहिए जिसे घर का कोई भी मेंबर आसानी से चला सके, तो आप इस बाइक को प्रेफर कर सकते हैं। हल्की बाइक है, सुटेबल बाइक है और इसका माइलेज तो माशाल्लाह बहुत बढ़िया है। ठीक है, मतलब मैं ऐसे नॉर्मली आपको बोल दे रहा हूँ, अगर आप रफ राइड भी करते हैं, बहुत ज़्यादा स्पीड में भी चलाते हैं, तो आप 70+ माइलेज इसमें ले पाएंगे। और अगर आप अच्छा जो है राइड करते हैं, इकोनॉमी जो है स्पीड में राइड करते हैं, तो आप और भी बेहतर माइलेज इसमें निकाल सकते हैं। चलिए मूव करते हैं इसके तीसरे और आखिरी कलर की तरफ। ये तो बहुत ही प्यारा कलर है, मैट अलाइव ग्रीन विद येलो डेकल्स के साथ। पूरी बाइक आपको मैट जो है अलाइव ग्रीन में देखने को मिलेगी और इसमें येलो कलर के डेकल्स इस्तेमाल किए गए हैं। काफ़ी खूबसूरत है। वैसे स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं ये CT 110 है, लेकिन यही सेम यही कलर और यही ग्राफिक आपको सिटी 100 में देखने को मिल जाएगा। तो अभी तक आपको सिर्फ तीन ही कलर कंपनी ने प्रोवाइड किए हैं 2022 में। हो सकता है कि 2-4-5 महीने बाद इसमें नए कलर कंपनी लॉन्च कर सकती है, क्योंकि ये डेली कम्यूटर और स्टार्टिंग वेरिएंट है बजाज कंपनी का। सबसे सस्ती बाइक इसीलिए मानी जाती है क्योंकि इसका प्राइस भी कम है, इसमें आपको फीचर्स वगैरह सारी चीज़ लिमिट में मिलती हैं, सीमित हैं सारी चीज़ें, आपको बहुत एडवांस फीचर इसमें नहीं मिलते हैं। तो जो डेली कम्यूट के लिए इस बाइक को इस्तेमाल करना चाहते हैं वो ज़रूर प्रेफर कर सकते हैं। अगर आपको इनके बारे में डिटेल में जानना है, पूरा एक एक चीज जाननी है, तो आपको आई बटन में जो है वीडियो की लिंक्स मिल जाएंगी, डिस्क्रिप्शन में भी मिल सकती हैं, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि उसमें प्राइस थोड़ा चेंज आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जैसे जैसे मैं वीडियो बनाता हूं तो जो लेटेस्ट प्राइस होता है वही मैं आपको वीडियो में बताता हूं, और कंपनी बिना नोटिस के 2-4 दिन के अंतराल पर भी प्राइस ऊपर नीचे वेरी करवा सकती है, ऊपर नीचे चेंज कर सकती है। ठीक है, तो प्राइस को लेकर थोड़ा सचेत रहिएगा। लेकिन इस वीडियो में जो मैंने प्राइस बताई है वो 2022 में आपको यही कंप्लीट प्राइस आपको पे करना पड़ेगा, लगभग 70,000 to 75,000 में आपको ये कंप्लीट ऑन रोड देखने को मिल जाएगी। उम्मीद है कि आपके डाउट्स में क्लियर कर पाया हूँ। अभी भी आपके कोई डाउट है तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी डेविड राहुल जीआर के नाम से, वहां पे हम आपको मिल जाएंगे इंस्टाग्राम पे, वहां पे फॉलो करके आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं या फिर इसी वीडियो के कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और जब भी चले हेलमेट का इस्तेमाल जरूर करिए, बिना हेलमेट के बाइक को राइड मत किया करिए। मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।